Great evening, my dear friends. Let's start our Q&A sessions. And let me check few questions. I can see few questions already there in the chat box. The first question is from one person, and the question is: junk food khane par control kaise kare? How to control the junk food consumption? My dear friend, agar aapke zindagi ka purpose, जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका टारगेट है, वो अगर एकदम क्लियर है तो जंक फूड पे आप कंट्रोल ला सकते हो। अगर आपके जिंदगी का पर्पस, मिशन एकदम क्लियर है, उसके पीछे आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो, तो ही आप जंक फूड के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे आइसक्रीम, मतलब स्वीट्स या फिर स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, सभी को पसंद होते हैं, आइसक्रीम, देन द पानी पूरी एंड द चाट एंड ऑल दो स्टफ जो रोड पे मिलता है, चाइनीज भेल एंड ऑल, मुझे बहुत पसंद है, आई रियली एंजॉय दैट। बट यू नो वॉट, आई डोंट रिमेम्बर वेन लास्ट टाइम आई हैड स्ट्रीट फूड, आई रियली डोंट रिमेम्बर वेन लास्ट टाइम आई हैड आइसक्रीम। आइसक्रीम मुझे कितनी पसंद है, आपको पता है मुंबई में नेचुरल्स करके एक आइसक्रीम शोरूम है। विलास जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, कीप योर वीडियो ऑफ, देयर इज नो नीड टू कीप योर वीडियो ऑन, यू कैन कीप योर वीडियो ऑफ। आई रिक्वेस्ट यू टू कीप योर वीडियो ऑफ, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप योर वीडियो ऑफ अंटिल एंड अनलेस यू आर इन अ परफेक्ट पोजीशन टू शेयर योर वीडियो, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मुझे भी आइसक्रीम्स एंड ऑल, मतलब सब टाइप के जंक फूड मुझे बहुत पसंद है, आई रियली एंजॉय दैट। द बर्गर कितना जबरदस्त रहता है यार, I really enjoy that. I had it. लेकिन अभी मैं खाता ही नहीं हूं, आइसक्रीम तो मैं खाता ही नहीं हूं, नेवर, बिकॉज मेरा जो भी काम है मेरे ये डिवाइस के ऊपर है, यहाँ पे दिख रहा है ना डिवाइस, ये सब कुछ कर रहा है, अगर ये थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया, आई कांट परफॉर्म एट माई ग्रेट लेवल, वो पीक परफॉर्मेंस क्रिएट नहीं होगा। सो अगर आपकी जिंदगी का मिशन एकदम क्लियर है, उसके लिए आप जान भी लगाने के लिए रेडी हो, तो आपका जंक फूड क्या सभी चीजों के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन आपके जिंदगी का मिशन, मतलब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपका ऐसा पर्पस है तो भगवान बचाए आपको, जंक फूड से भगवान आपको बचा सकता है, फिर आई डोंट नो भगवान भी बचा सकता है कि नहीं, बिकॉज भगवान उसी को हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करने के लिए रेडी है। क्या आप खुद की हेल्प करने के लिए रेडी है? देन गॉड विल हेल्प यू, गॉड विल सपोर्ट यू, that is what I can say. It is all about your priority. आपका mission, आपकी priority है, तो उसके सामने सब कचरा है, सब कचरा है. This is what I feel. This is what I am following. And I am sure you will follow the same. Amazing question. Thank you so much for asking, my dear friend. Thank you so much. So let me go to the next question. Wow. How to get a good job we desire? Simple. Damn simple question. जो भी आपको जॉब चाहिए, जो भी आपका ड्रीम जॉब है, जो भी आपका ड्रीम जॉब है, आप वो क्वालिटीज को विजुअलाइज करना शुरू करो। जो भी ड्रीम जॉब में आपको लगता है कि ये सैलरी होनी चाहिए, ऐसा जॉब प्रोफाइल होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, जो भी आपको लगता है, प्लीज राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप विजुअलाइज दैट। एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप विजुअलाइज दैट। ट्रस्ट मी माई डियर फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा अरे यार ये बार बार वही घीसी पीटी बातें बताता है यार, विजुअलाइजेशन मेरे को पता है यार, कुछ नया बताओ ना नया। अरे जरूरत ही नहीं है ना, जो चीज है, जो 100% सच है, जिससे बहुत लोगों की जिंदगी में मिरेकल्स हुए हैं, तो वही चीज मैं बार बार बताऊंगा। वाई द हेल आई शुड चेंज माई सिस्टम if I am getting the results, if so many people getting results, my dear friend, follow the system. और मैं आपको suggest करूंगा कि जब आप visualize करते हो, visualize करने के बाद पूरा दिन आपको positive mood में भी रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको suggest करूंगा life mastery course join कीजिए, या फिर कल हमारा जो session होने वाला है how to bounce back blueprint, उसको join कीजिए, because उसमें भी बहुत सारे techniques और tools में share करने वाला हूँ। It will help you a lot. It will help you a lot to get that dream job. I hope you got the answer. और मैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को कोई कोर्स नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, you already have a lot of books.
आई नो यू हैव लॉट ऑफ बुक्स, प्लीज रीड दोस, सभी सीक्रेट्स उसमें मेंशन है यार। मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, इट इज नॉट अबाउट नॉलेज, आपके पास कितना नॉलेज है, माइंड पावर का, सबकॉन्शियस का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, एनएलपी का, ब्ला 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 ब्ला, सब कचरा है अंटिल एंड अनलेस यू अप्लाई दैट। और कल का जो वेबिनार में लेने वाला हूं, बाउंस बैक ब्लूप्रिंट, आई एम गोइंग टू फोकस अलॉट अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन। इट इज अ गेम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन माय डियर फ्रेंड्स। आपके लिए वो विजुअलाइजेशन कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो आपको ही करना है। इसीलिए आपको खुद में वो डेवलपमेंट करना जरूरी है, वो सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। जस्ट विजुअलाइज एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड बिलीव दैट, बिलीव यू आर गोइंग टू गेट अ ड्रीम जॉब। जो भी आपका ड्रीम जॉब है वो आपको 100% मिलने वाला है। वंस यू हैव दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट। कितने केस स्टडीज है मेरे पास, एंड आई एम डैम श्योर यू विल गेट द सेम एंड यू विल शेयर योर सक्सेस स्टोरी वेरी वेरी सून। अगेन आई एम टेलिंग यू, यू कैन रीड द बुक पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। आप बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने पढ़ लिया है बुक, मुझे पता है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा फिर से एक बार पढ़ो, बिकॉज डॉक्टर जोसेफ मर्फी इन्होंने क्लियर कट बताया है, दिस इज नॉट अ वन टाइम रीड बुक, यू नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। स्टिल आई एम रीडिंग द बुक, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे लगता है फिफ्थ या सिक्स टाइम में वो किताब पढ़ रहा हूँ। मैंने उसके ऊपर 500 से ज्यादा सेमिनार्स दिए हैं, वेबिनार्स दिए हैं, स्टिल आई एम डूइंग द रिसर्च ऑन द सबकॉन्शियस माइंड। सो माई डियर फ्रेंड, प्लीज फॉलो द सिस्टम, यू विल गेट अ ड्रीम जॉब फॉर श्योर। यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, आई नो दैट। द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स यू हैव, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव, यू कैन टीयर अपार्ट एनीवन, यू कैन टीयर अपार्ट द बिगेस्ट इंटरव्यूज। यू नो जो आईएएस के वगैरह इंटरव्यूज होते हैं ना, वो भी आप क्रैक कर सकते हैं। आपके जैसा इंप्लॉय, आपके जैसा इंप्लॉय मतलब हर एक कंपनी चाहेगी, दैट काइंड ऑफ टैलेंट यू हैव। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, बिकॉज आई नो यू पर्सनली, आई रिक्वेस्ट यू टू फॉरगिव एवरीवन, फॉरगिव योर सेल्फ, फॉरगिव अदर्स इफ दे हैव डन एनीथिंग रॉन्ग टू यू। बिकॉज ये मतलब जब तक ये कचरा क्लीन नहीं होता ना, जो भी आपका एंगर, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, फियर, ये जब तक कचरा क्लीन नहीं होता, तब तक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन काम नहीं करेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू क्लीन ऑल दैट डर्ट, सो दैट यू कैन यूज द विजुअलाइजेशन टूल एंड यू कैन रॉक। एंड आई एम डैम श्योर यू गोइंग टू रॉक अक्रॉस वर्ल्ड, आई एम डैम कॉन्फिडेंट अबाउट योर पोटेंशियल। इट इज जस्ट मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड यू विल रॉक। या आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन एंड attending this session. Okay, so there is one big question, let me read that, just give me a few seconds my dear friends. Okay, देखिए आपने यहां पे सवाल पूछा है कि एक इंसान है जो बहुत stubborn है, तो वो stubborn behavior को change कैसे करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको किसी का बिहेवियर चेंज करना है, तो वो सामने वाला जो इंसान है उसको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। मतलब सामने वाला इंसान अगर एक्सेप्ट करता है कि यस मुझ में ये गलती है, तो वो बिहेवियर इंप्रूव करना पॉसिबल है। मतलब आप जो सजेशन देंगे वो सुनेगा, वो इंसान कॉन्शियसली शांति के साथ वो सब सजेशन सुनेगा और अप्लाई भी करेगा। लेकिन सामने वाला इंसान कहता है कि मैं ही सही हूं और आपको वो उड़ा देता है, आपको निग्लेक्ट करता है, तो वो केस में आसान तरीका है उसको ब्लेसिंग्स भेजो, वो इंसान को ब्लेसिंग्स भेजो। जस्ट से गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दिस इज अ फैंटास्टिक फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड, ये मैंने खुद इस्तेमाल किया है, मैंने बहुत लोगों के साथ ये टेक्निक का इस्तेमाल किया है। आई हैव विटनेस मिरेकल्स, यू विल ऑल्सो विटनेस मिरेकल्स। जस्ट सेंड देम द ब्लेसिंग्स। If they are ready to improve, you can talk to them. But obviously, आपने जो कहा है कि उनका stubborn behavior है, तो भूल जाओ। अगर आप उनसे बात करने जाएंगे तो ego clash हो जाएगा, ego clash, और वो इंसान नहीं सुनेगा, झगड़ा बढ़ेगा, challenges और multiply हो जाएंगे। उससे अच्छा है उसको blessings भेजो और मजा देखो उसके जिंदगी में क्या होता है, ठीक है ना। और आपको ये topic के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा, रिलेशनशिप के टॉपिक के बारे में अगर आपको मास्टरी अचीव करनी है, डेप्थ में जाना है, तो बी के शिवानी, उनको आंख के ऊपर पट्टी बांध के फॉलो करो।
आंखों के ऊपर पट्टी बांध लो और जो बोल रही है बीके शिवानी उनको फॉलो करो, बहुत जबरदस्त नॉलेज दे रही है यार वो, मतलब एंजल है, एंजल फ्री ऑफ कॉस्ट शी इज शेयरिंग ऑल द ग्रेट सीक्रेट्स, कोचेस ट्रेनर्स रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स दे आर चार्जिंग थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज टू शेयर दो सीक्रेट्स एंड दैट लेडी इज शेयरिंग फॉर फ्री लाइक मोस्ट ऑफ दैट आई पर्सनली फॉलो हर। मैंने भी जिंदगी में जो भी रिलेशनशिप के चैलेंजेस हुए थे I have resolved that with the same tools which I am sharing with you. Sending the blessings. God bless you, God bless you, God bless you. Three magical words. God bless you. That's it. You will experience magic. Thank you so much for asking this question. Wow. How to overcome office politics? My dear friend, you know, you cannot change others. Yehi jo sawal unhone pucha tha, stubborn behavior wagera. ऑफिस में जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी है, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, यू कैन नॉट ओवरकम दैट, यू नीड टू सेंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे दुश्मन होते हैं और जब हम लोग जिंदगी में तरक्की करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे दुश्मन बढ़ जाते हैं, हमारे ऊपर जलने वाले लोग बढ़ जाते हैं। इट्स कॉमन फिनोमिना यार, कांट हेल्प इट, बिकॉज वो खुद नहीं कर पाते तो हम कुछ कर लेते हैं तो उनकी तो जलन होने ही वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पॉलिटिक्स होता है या फिर जो भी होता है उसको अगर मैनेज करना है, अगेन द फॉर्मूला इज सिंपल, सेंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। आपको पता भी नहीं है मैडम, आपको पता भी नहीं है सर जी, कि आपके इर्द गिर्द आपके कितने दुश्मन हैं। आपको लग रहा है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो तो मेरा एकदम क्लोज कलीग है। आपको पता नहीं कि आपके पीछे क्या षड्यंत्र हो रहा है। यू रियली नेवर नो इन कॉर्पोरेट लाइफ इट हैपेंस लाइक एनीथिंग। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, अगर आप पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, अरे उनका ये पॉलिटिक्स है, उनका ऐसा बिहेवियर है, यू नो व्हाट विल हैपन, यू विल आल्सो बिकम लाइक दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उनका बिहेवियर और बढ़ जाएगा, बिकॉज वेर एवर योर फोकस गोज देयर योर एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट शोज। लेट मी रिपीट दिस अमेजिंग कोट, वेर एवर योर फोकस गोज देयर योर एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट शोज। तो आपका फोकस पॉलिटिक्स के ऊपर है तो पॉलिटिक्स बढ़ेगा, आप में भी बढ़ेगा, वो लोगों में बढ़ेगा, और झगड़ा बढ़ते जाएगा, चैलेंजेस मल्टीप्लाई होते जाएंगे। आसान सा सॉल्यूशन है, सेंड ब्लेसिंग्स टू ऑल, बिकॉज जो पॉलिटिक्स होता है वो आपके आंखों के सामने कभी नहीं होता मेरे दोस्त। जो भी पॉलिटिक्स होता है आपके पीठ के पीछे होता है, राइट? सो यू रियली नेवर नो कि क्या होने वाला है। सो बेस्ट वे इज टू सेंड ब्लेसिंग्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम लोगों को ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं, गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, तो वो जो भी षड्यंत्र बनाते हैं हमारे लिए वो उल्टा हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उनको पता चलता है यार ये बंदे की जिंदगी में कुछ भी पॉलिटिक्स करने जाओ तो हमारी खटिया खड़ी हो जाती है, उससे दूर रहो, ये इंसान से दूर रहना ये अकलमंदी की बात है, ये बहुत खतरनाक इंसान है, इसके बारे में कुछ भी पॉलिटिक्स करने जाओ तो हमारी वाट लग रही है, उनको ये एक्सपीरियंस आएगा एंड दे विल स्टे अवे फ्रॉम योर पाथ। Do that. I have experienced it. मैं जो भी आपको शेयर करता हूं, I have tested all the systems. Make most of the tested and proven systems which I am sharing right now. Office politics को overcome करने का यही एक तरीका है. And you can read one book. There is one amazing book by Pillai. The author is Pillai. I don't remember the first name. Corporate Chanakya. Corporate Chanakya Niti or something like that is the name of the book. Amazing book. Go and read that. But the best way is to send blessings to all. Aapke man, aapka man saaf rakho, baaki ka sab kuch ho jayega. Everything will be managed. Because politics karne wala insaan itna smart hota hai ki aap kitna bhi matlab kuch karne jao to wo aapko maat de dega. The best way is to send blessings and send a strong signals to them that you are divinely protected. जब आप लोगों को ब्लेसिंग्स देते हो यार, यू गेट अ डिवाइन प्रोटेक्शन। वो आपके इर्द गिर्द एक ऐसा बबल बन जाता है, ऑरा बन जाता है, जो आपको ये सब पॉलिटिक्स से और निगेटिव चीजें से बचाता है। या यू नीड टू बी स्मार्ट, नो डाउट अबाउट दैट, बट यू कैन बी स्मार्ट अप टू सर्टन लेवल यार, बिकॉज आपके पीठ के पीछे क्या हो रहा है यू नेवर नो, यू कैन नॉट हैव द स्पाई ओवर देयर। अगर आपको ऑफिस में स्पाई वगैरह रखना पड़ा तो आपकी सब सैलरी वहां वही चली जाएगी। सो ये सब झंझट मत करो, सिंपल बोलो गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़ो,
That's it. You will have the divine protection. Amazing question. Thank you so much. How to have the beautiful body? Okay, how to attract the beautiful body? It is very simple. Have proper diet plan. Go to a dietitian. Ask what is the food best for you as per your age, as per your work profile, and do the exercise. That's it. Very simple formula. Very simple formula. Not a big deal. But to follow the system, it's a big deal. Also one more thing, that when you say about the beautiful body, you need to understand that there are some things which are great for you. Matlab, aapki body jaise hain, jaise bhi aap ho, matlab aapki height vagera, wo to aap bada nahi sakte. Jo aapke features hai, wo bhi aap change nahi kar sakte. I mean to say, aapke kaan kaise hain, naak kaise, aank kaisi hain, aapka rang kaun sa hai, wo cheeze accept karo. You need to accept that. और आपको अगर सेल्फ इमेज के ऊपर और ज्यादा स्टडी करना है तो आई वुड सजेस्ट वन बुक, साइको साइबरनेटिक्स, बिकॉज साइको साइबरनेटिक्स की किताब जो इंसान ने लिखी, वो खुद एक प्लास्टिक सर्जन थे. मतलब नो जॉब, ये जॉब, वो जॉब, वो सब जॉब करते थे. आई मीन टू से, टू चेंज द बॉडी स्ट्रक्चर, वो उनका काम था. प्लास्टिक सर्जन थे वो, लेकिन उनको पता चला कि मतलब प्लास्टिक सर्जरी करने के बावजूद, मतलब समझो एक इंसान है जो कहता है कि मेरा नाक ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, आप ऐसे करो, मेरे लिप्स को ऐसे करो, तो वो करने के बावजूद वो खुद को हेट करते थे. प्लास्टिक सर्जरी उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंगली करने के बावजूद वो खुद को हेट करते थे. आइडियली ऐसे नहीं होना चाहिए ना, लेकिन अगर किसी बंदे के सबकॉन्शियस लेवल पे खुद के बॉडी के प्रति नेगेटिविटी है, तो कुछ भी करो, मतलब प्लास्टिक सर्जरी करो या फिर कुछ भी करो, वो तो उसमें खोट निकालते ही रहेगा. सो आई वुड से, एक्सेप्ट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, एंड हैव द प्रॉपर वेट. ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आपका हाइट बॉडी जो आई गेस बीएमआई इंडेक्स, राइट, वो होता है, उसके अनुसार आपको मेंटेन करना. दैट्स इट. जीरो फिगर के लिए भी नहीं जाना है और एकदम हेल्दी भी नहीं बनना है. You need to maintain that index. वो BMI index होता है, height और weight का जो proportion होता है. Just maintain that and have the great energy. That's it. Do not compare yourself with others. This is how you can attract the amazing body and enjoy your life. Amazing question. Thank you so much for asking this question. Thank you so much, Abhishek. Let me go to the next question. Okay. So यहाँ पे question है कि रात को सोने से पहले 30 minutes, सुबह उठने के बाद 30 minutes जो mobile है उसको हमें दूर रखना है. Gadgets, laptop, mobile, उससे हमें दूर रहना है. ये मैंने क्यों कहा था? देखिए, रात को सोने से पहले आधा घंटा, सुबह उठने के बाद आधा घंटा, आपका subconscious बहुत जबरदस्त काम करता है. तो वो टाइम पे आप अगर सोशल मीडिया वगैरह इसको एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, सोशल मीडिया सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाएगा. अगर सबकॉन्शियस में सोशल मीडिया प्रोग्राम हो गया, सो यू विल बिकम एडिक्टेड टू दैट. होल डे यू विल कीप ऑन चेकिंग दैट सोशल मीडिया स्टफ. और इसलिए रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, स्टे अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया. सी, यू कैन वॉच सम पावरफुल वीडियोज ऑन योर मोबाइल, नथिंग रॉन्ग. रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, इफ यू वॉन्ट टू वॉच सम पावरफुल वीडियोज एंड ऑल, स्टिल इट इज ओके. बट स्टिल I would say, sometimes you know what, that mobile light, the mobile का जो light होता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, ऐसे भी होता है. ऐसा भी एक research हुआ है, जो light होती है उसके वजह से नींद खराब हो जाती है. So I would say stay away from the mobile before going to sleep. 30 minutes after getting up, 30 minutes just stay away from it. रात को सोने से पहले मैं आपको बताता हूँ, 30 minutes अगर आपको invest करने हैं, आप सोचेंगे यार 30 minutes करूँ क्या फिर मैं? I will tell you. Take a notebook. Take a pen and write gratitude. Write gratitude. I am happy and grateful that. 10 points likho. Aur har din 10 points naye likhne hain. Every single day you have to write 10 different points. Search for those points. Usme 10-15 minute chale jayenge. Ho gaya 15 minute. Then you will come to your bed and you will go for sleep. Before sleeping, visualize for 10-15 minutes. Ho gaya aapka aadha ghanta. This is what I do. This is what I personally do. Every night before going to sleep, I write the gratitude 10 points.
देन आई डू द विजुअलाइजेशन, मुझे तो 30-45 मिनट्स लग जाते हैं, आई गो इन वेरी डेप्थ बिकॉज मजा आता है यार। जो चीज, जो टारगेट जिंदगी में अचीव करना है उसके लिए मैं जान लगा रहा हूँ, सुबह से रात तक जान लगा रहा हूँ, वो टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ये देखने में कितना मजा आएगा यार। इसलिए मैं विजुअलाइजेशन में 15 मिनट्स, 20, समटाइम्स 30 मिनट्स आई विजुअलाइज, आई रियली एंजॉय दैट एंड गो इन अ डेप्थ। यू कैन एंजॉय द सेम, सो यूटिलाइज योर 30 मिनट्स लाइक दैट। और सुबह उठने के बाद, एज यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जस्ट गो एंड ड्रिंक 3 glasses of water, या 3 glasses of water यू ड्रिंक, वार्म वाटर, एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली यू गो टू द वॉशरूम एंड देन मे बी यू कैन डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑल। सो आधा घंटा तो आराम से निकल जाएगा एंड यू कैन स्टे अवे फ्रॉम द गैजेट। या आई होप इट इज क्वाइट सिंपल टू फॉलो। लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ सर, जो खाली टाइम होता है उसमें क्या करें? इट्स वेरी सिंपल, वेन एवर यू गेट अ फ्री टाइम, देखिए अभी आपके पास फ्री टाइम है तो फ्री टाइम आप कहां पे हो उसके ऊपर निर्भर करता है। आई मीन इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड इफ यू हैव फ्री टाइम देन लिसन टू सम पावरफुल स्टफ ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम और मे बी सम काइंड ऑफ एप्स, गो फॉर ऑडियो बुक्स, ऑडियो बुक्स वगैरह सुनो। मोबाइल पे आप मूवीज मत देखो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली बस में। If you are in a bus and you are traveling and if you try to watch a movie or videos, it can be dangerous for your eyes because आपकी आंखें ऐसे बार 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 हिलती रहेगी, गर्दन हिलती रहेगी, because आपको पता है ना जो इंडिया के इन सभी जगह पे जो हमारे रोड है वो कितने ब्यूटीफुल है, आपको पता है ना कितने जबरदस्त है। आपकी गर्दन, आपकी जो जो गर्दन है वो बिल्कुल हिलती नहीं है। आई एम चोकिंग, यू नो वॉट, इन इंडिया God bless all those engineers, all those government people. जो roads जो है वो इतने अच्छे नहीं है यार, जिसकी वजह से बहुत vibration होते रहता है वो कार में, वो बस में। और इसके वजह से आप कोई किताब मत पढ़ो, don't read a book, don't watch a video or something. Instead of that, go for audio book. Go for audio book. या फिर जो आपके affirmations है वो आप record करके रखो आपके mobile में और वो affirmations सुनो। You can do like that. Otherwise, अगर आपको सिर्फ कोई गाने वगैरह गाने हैं, सक्सेस सॉन्ग, वो सक्सेस सॉन्ग आप बार बार गा सकते हो या फिर खुद से आप अफर्मेशंस कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, दिस इज वॉट यू कैन डू इन अ ट्रैवलिंग। इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन और समथिंग, देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। यू कैन रीड अ बुक, यू कैन वॉच अ वीडियो एंड ऑल। इफ यू आर वेटिंग समवेयर, अगेन इट डिपेंड्स आप कहाँ पे हो। अगर आपको लिखने का मौका मिलता है, यू कैन राइट डाउन योर सक्सेस स्टोरीज एंड गोल्स एंड ऑल। So it varies. All these activities will vary wherever you are placed during your free time. Make most of your free time. I really appreciate. जिंदगी में एक सेकंड भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. And this is how you can program your mind. I guess I told you one concept. No extra time. NET. जब भी खाली समय मिलता है यार, वो टाइम खुद के प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल करो। मैं आपको बताना चाहूंगा यार, दिन का एक घंटा, you know, every day if you invest 1 hour on yourself, feeding your mind, okay, feeding your mind for 1 hour, my dear friend, yaar kya batau, matlab aapki zindagi mein aise miracles honge jo aap soch bhi nahi sakte. I'm experiencing that. Main aapko batana chahunga power of your subconscious mind, matlab jo main topic share karta tha, training deta tha 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, for last matlab jo 5 saal the, मतलब अढ़ाई घंटे में, 2 hours and 30 minutes में मेरा कंटेंट खत्म हो जाता था, खत्म होता था कंटेंट। 5 साल के लिए मतलब मैंने 300 से ज्यादा सेशन लिए होंगे सबकॉन्शियस माइंड के, अढ़ाई घंटे में डॉट ट्रेनिंग खत्म होता था। और अभी लॉकडाउन में मैं आई एम इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माई सेल्फ, ऑन माई डेवलपमेंट, डे एंड नाइट आई एम रीडिंग एंड वॉचिंग सम ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर्स, ट्रेनर्स, attending courses, invested lakhs of rupees, and you know what? वही अढ़ाई घंटे का content आज मुझे cover करने के लिए 20 घंटे लगते हैं। Can you believe that? अढ़ाई घंटे का content, वही PPTs cover करने के लिए आज मुझे 20 घंटे लगते हैं। आप में से बहुत लोगों ने लाइफ मास्टरी कोर्स परचेज किया है मराठी, हिंदी या इंग्लिश में, और आपने देखा होगा मैंने वो सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग मुझे लगता है 6 घंटे में, 5.5 से 6 घंटे में कवर किया था। यार वही कंटेंट आज कवर करने के लिए 20 घंटे लग रहे। दिस इज द लेटेस्ट थिंग एंड आई एम पुटिंग माई हार्ट एंड सोल टू डेवलप माई सेल्फ। आई रियली आई एम
excited what is going to happen in coming 6 months and 1 year. Kind of pattern I'm going to develop. बहुत मजा आने वाला है. जो भी मैं बोल रहा हूं यार, दिल से फॉलो करता हूं और बता रहा हूं आपको, फॉलो करो यार, मजा आएगा जिंदगी में. और नहीं रिजल्ट मिलता है, आस्क मी, आई एम देयर विथ यू, आई एम देयर विथ यू एज योर ब्रदर, आई एम देयर विथ यू एज योर फ्रेंड. टेल मी व्हाई यू आर नॉट गेटिंग दैट ग्रैंड सक्सेस, आस्क मी दैट, आई विल हेल्प यू फॉर दैट. आई रियली वॉन्ट योर सक्सेस यार, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स. यार मैं आपको क्या बताऊं, अगर मैं आज कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में इंजीनियरिंग का जॉब करने के लिए जाऊंगा, महीने का 5 लाख रुपए मिलेगा मुझे, आराम से मिलेगा. इंडिया में रहता हूं तो 1.5 से 2 लाख किधर नहीं गया, 1.5 से 2 लाख किधर नहीं गया. 2016 में जॉब छोड़ा था यार, 9th of November 2015 आई लेफ्ट माई जॉब, आई एम सॉरी 2016, 9th of November 2016. 5 साल हो गए यार, मैं कितना पैसा कमा सकता था, कैन यू इमेजिन. अभी भी मैं कमा सकता हूं इंजीनियरिंग में जाके, बट आई एम लीविंग दैट, वो पानी छोड़ दिया उसके ऊपर, बिकॉज आई एम मैड अबाउट हेल्पिंग अदर्स. बहुत मजा आता है यार जब आप आपकी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ कभी शेयर करते हैं ना, मतलब उससे ज्यादा खुशी मिल ही नहीं सकती. आज मेरे कितने दोस्त हैं, मतलब जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ नहीं है उनके जिंदगी में, अकाउंट में उनके 40-50 लाख रुपया है, करोड़ों रुपए है, लेकिन कुछ जिंदगी में मजा नहीं है, कुछ भी मजा नहीं है, बिकॉज वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे उनको भी फायदा हो, मतलब मजा आए और सामने वाले को भी मजा आए, ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे. बट आई एम डूइंग दैट एंड आई नो 5 साल में जो भी वो मैं बैकफुट पे गया हूं, 5 साल में जो भी मैंने अर्न नहीं किया, लाइक दिस इन थाउजेंड्स टाइम इट इज गोइंग टू कम बैक टू मी. इट हैज टू यार, इट हैज टू, कोई ऑप्शन ही नहीं है, इट हैज टू कम बैक टू मी 1000 times, बिकॉज आई एम गिविंग दैट. जो भी आप दोगे वही मल्टीप्लाई होके आपके जिंदगी में आएगा. But I am not working for that. That is a byproduct. The name, fame, that all is byproduct. What is more important is success story. और आपकी success story मुझे create करनी है. मैं नहीं कर रहा हूं यार. Again, I am telling you, don't misunderstand. I am not creating that. You are creating that. I'm just letting you know कि भाई आप में ये power है, आप ये कर सकते हो. Yes, I call myself a success story creator. I call myself that, but at the end of the day, it's a God's grace. I always tell, it's a pure God's grace. And God is with you, and God is within you. आप ही के साथ है भगवान, आप ही के अंदर है वो भगवान. उसको जागरूक करो यार, जागरूक करो उसे. आपके जिंदगी में आपने कुछ भी गलती कर दी हो, Still, I will say the God is with you, God is within you. Make most of that divine power. जब मैंने काउंसलिंग का कोर्स किया था तब मुझे बताया गया था, जो रेपिस्ट होता है ना, जिसने रेप किए है, हजारों रेप किए, उसमें भी भगवान देखो, उसमें भी भगवान देखो. आप ही के अंदर भगवान है, वो एनर्जी है, एक्टिवेट करो यार उसे. यूज योर सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड की जो टूल्स है, टेक्निक्स है, इससे आपके जिंदगी में मिरेकल्स हो सकते हैं. आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग मिरेकल्स, यू विल एक्सपीरियंस मिरेकल्स वेरी वेरी सून. लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंटली विजुअलाइज करना जरूरी है. आई होप यू गॉट द आंसर. सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वाओ, so again amazing question today, you are asking amazing question, thank you so much from bottom of my heart, thank you so much. Because ye jo session hai, question and session, ye aap run karte ho yaar, main to puppet to puppet, wo katputli hota hai na bas. Thank you so much. So let me go to the next question. I'm confused between marriage and higher study, what should I do? Take the divine guidance, my dear friend, take the divine guidance. रात को सोने से पहले सिर्फ 2 words बोलो, ओके? रात को सोने से पहले सिर्फ 2 word बोलते बोलते सो जाओ, या फिर आपके विजुअलाइजेशन में ये 2 words को ऐड कर दो. परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप, जस्ट से परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, एंड गो टू स्लीप थ्रू आउट द डे. दिन भर में कभी भी दिमाग में वो मारा मारी शुरू हो जाएगी,
मैरिज और हायर स्टडी की परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, कीप ऑन सेइंग लाइक दैट, यू विल बी डिवाइनली गाइडेड. या और एल्स यू कैन से आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, यू विल बी डिवाइनली गाइडेड. क्या पता यार, आप जो इंसान के साथ शादी करने वाले हो वो इंसान आपकी जिंदगी में मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है. ऐसे होता है, इट हैपेंस. जब भी हम लोग ऐसे इंसान के साथ शादी करते जो हमें सपोर्ट करता है, बहुत प्यार करता है, हमारा परफॉर्मेंस 10x हो जाता है, 100x हो जाता है. ऐसे हो सकता है. सो यूनिवर्स की अगर ये इच्छा है कि आप शादी कर लो ताकि आपका परफॉर्मेंस 10x 100x हो जाए, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. कभी कभी वो इंसान आपकी जिंदगी में लक लाता है, वो लक फैक्टर वो काम करता है. इट हैपेंस, आपने बहुत बार देखा होगा. नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, बट टेक द हेल्प ऑफ डिवाइन गाइडेंस. आई कांट टेल दैट, नो वन कैन टेल दैट. टेक हेल्प ऑफ द डिवाइन गाइडेंस एंड फॉलो दैट पाथ. यूनिवर्स विल गाइड यू यार, यूनिवर्स विल गाइड यू लाइक एनीथिंग. Just follow the system. I have been using that. Miracles usually happen. Always. So let me go to the next question. Okay. How to face arrange marriage situation? My dear friend, please check the video. How to attract dream life partner. I already delivered one webinar on that. Please watch that and follow that. Yaar, maine khud follow kiya hai. Aur mera bhi arrange marriage hi hai. मैंने खुद फॉलो किया है. कितने लोगों को मैंने हेल्प किया है, बाय गॉड्स ग्रेस उनको बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मिले हैं. फॉलो दैट सिस्टम, यू विल एक्सपीरियंस मैजिक, आई एम डैम श्योर. मैंने 1.5 साल के लिए लिखा है यार, मैंने वो वेबिनार में बोला है. फॉर 1.5 years आई वॉज राइटिंग वॉट काइंड ऑफ वाइफ आई वॉन्ट, वॉट काइंड ऑफ क्वालिटी शी मस्ट हैव, एंड एट द सेम टाइम आई डेवलप दोज क्वालिटीज विद इन माई सेल्फ. प्लीज वॉच दैट वेबिनार, इट कैन हेल्प यू अलॉट. Also, listening to sad songs, absolutely wrong habit. Yesterday, I was in salon, shaving karne gaya tha. Tab ek gana yahan pe shuru ho gaya. Not Amitabh Bachchan. Amir Khan and Madhuri Dixit. I guess the name of the movie was Dil. And you know, song kya tha? Mujhe neend na aaye, neend na aaye, neend na aaye. मुझे चैन ना आए. गया ना, अगर ये सॉन्ग, आई नो नाउ इट इज नॉट अ नेगेटिव सॉन्ग, इट इज अ पॉजिटिव सॉन्ग, लेकिन उसके लिरिक्स देखो यार, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मतलब गई उसकी नींद. अगर ये बार बार बोलते रहा, अगर उसके सबकॉन्शियस में चला गया मुझे नींद नहीं आती है, तो स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ेंगे. जाने अनजाने में इस तरह से प्रोग्रामिंग हो जाता है. चार पोटल वोड़ का काम मेरा रोज का, बेवड़ा बनना है क्या ऐसा गाना गाके? सूरज ढला, सॉरी सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रस्ते भुला दो सारे संसार के. मैं परेशान परेशान परेशान, तड़प तड़प इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की. बंद करो ये नाटक यार, ये गाने गाके आप बर्बाद हो जाओगे. You will program your mind in a really negative way. बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, जाने अनजाने में वो गाने गाते रहते, जाने अनजाने में. Let me give you one more case study. कभी कभी वो song positive होता है, हमें लगता है कि song बहुत positive है, लेकिन उसके कुछ words होते हैं बहुत danger होते हैं. Let me give you one case study. I know one couple, और उनका favorite song था दोनों का, मराठी में एक song है, दृष्ट लागण्या जोगे सारे, दृष्ट लागण्या जोगे सारे. इसका हिंदी में मीनिंग है नजर लगने जैसा सब कुछ है हमारे जिंदगी में, नजर लगने जैसा. आज उनके रिलेशनशिप में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, एंड दे आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस. वो जब उनको मैं मिला था 2014-15 में, उन्होंने ऐसे कहा था कि ये हमारा बहुत फेवरेट सॉन्ग है. जाने अनजाने में हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है, हेंस वी आर सपोज्ड टू सिंग ओनली पॉजिटिव एंड डायनेमिक सॉन्ग्स. प्लीज फॉलो दिस सिस्टम. सब जरूरी नहीं है ये हर एक के साथ होगा, लेकिन मैं कहता हूं यार रिस्क क्यों लेना है. जो भी आप बार बार रिपीट करोगे आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होने वाला है. अगर हो गया तो क्या करेंगे. अभी जो सॉन्ग है आमिर खान का, माधुरी दीक्षित का, बहुत जबरदस्त सॉन्ग है. मुझे नींद ना आए, नींद ना, मतलब एकदम रोमांटिक सॉन्ग है.
लेकिन गलती से सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो गया, नींद नहीं आती है, तो क्या करोगे? और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो जो बंदे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड वगैरह ये चीजों को फॉलो नहीं करते, उनको कुछ भी पता नहीं है, शायद उनके जिंदगी में उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको उतना अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जब बंदे के पास अवेयरनेस आता है तो ये नेगेटिव चीजों का इंपैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप बोलेंगे ऐसे क्यों? देखो अवेयरनेस एक व्हाइट शर्ट की तरह है या फिर सफेद कपड़े की तरह है। विथ अवेयरनेस यू बिकम वेरी क्लीन, और जब आप ज्यादा क्लीन बन जाते हो तो आपको मतलब नेगेटिविटी का इंपैक्ट फील होता है इमीडिएटली। Hence, I request you, you are attending my session, you already know law of attraction, subconscious mind, NLP and all, stay away from the negative songs. मेरे एक मेंटोर है राम वर्मा, तो उन्होंने भी एक बार कहा था, मतलब वो ट्रेन से या बस से किधर ट्रैवल कर रहे थे और एक गाना शुरू हो गया, ये जिस्म पे हक है मेरा, ऐसे कुछ तो एक सॉन्ग था, ये जिस्म पे तेरे रूह पे अब हक है अब मेरा, समथिंग लाइक दैट। तो बोल रहे थे कौन बोल रहा है यार, मेरे जिसमें मेरे रूह पे तेरा हक कहां से आया? एंड ही इमीडिएटली कैंसल दैट सॉन्ग इमीडिएटली, बिकॉज जो अवेयरनेस में बंदा होता है वो ऐसे नेगेटिविटी से दूर रहता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, या फॉलो दैट। लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बाय द वे आई एम सॉरी इफ यू डोंट लाइक माई सिंगिंग, आई एम नॉट अ ग्रेट सिंगर, द आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर द मैसेज एंड हेंस आई सिंग सम सॉन्ग्स। Let me go to the next question. Okay, so how to find happiness in the career? You need to identify your God-gifted potential. Okay, you need to identify your God-gifted potential, and as per that, you need to choose your job. देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको job completely या फिर field completely shift करना जरूरी है. In the same field, you can utilize your God-gifted potential. See, for me, I had the option of going into sales and marketing. I have the great communication skills. I can speak really well, public speaking and all. So I can go in sales and marketing, in engineering, and I can rock over there. I can rock like anything. I'm damn sure. I can go in HR also, and I can rock over there. I know that. But I chose something else. I chose the complete freedom path, following my complete passion. So you can partially follow that. And you can enjoy that. यार जॉब में खुशी मिलना यार उससे मतलब बड़ा कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। हमारी जिंदगी मतलब जो हमारा क्रीम टाइम रहता है जिंदगी का, सुबह 7-8 से लेके शाम के 7-8 बजे तक जिंदगी का हमारा क्रीम टाइम, जो हमारी जवानी होती है, जो हमारा एनर्जी का टाइम होता है, हम लोग जॉब या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं यार। अगर उसमें आपको मजा नहीं आता है तो कितना बड़ा मतलब रिस्क है आपके जिंदगी में। पैसा आएगा यार, महीने का आप 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमा लोगे, नॉट अ बिग डील। बट व्हाट अबाउट योर हैप्पीनेस? वीकेंड के लिए मरते रहोगे, जॉब छुट्टी कब लेता है उसके लिए मरते रहोगे, सुबह शाम के 5 कब बचते हैं उसके लिए मरते रहोगे, संडे नाइट को एकदम अलग सी अजीब सी फीलिंग आएगी। आई हैव गॉन थ्रू दैट। सैटरडे संडे में जहां पे जॉब में था ब्लू स्टार लिमिटेड में, सैटरडे संडे ऑफ था मोस्ट ऑफ द टाइम, तो सैटरडे फ्राइडे इवनिंग यार मतलब जन्नत की फीलिंग आती थी, जन्नत। सैटरडे तो पूछो ही मत, संडे को भी बहुत मजा, लेकिन 7-8 बजे के बाद मतलब 9 के बाद वो जो फीलिंग रहती है कल मंडे है, कल ऑफिस जाना है, हेल काइंड ऑफ अ फीलिंग। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नॉट जस्ट इन ब्लू स्टार लिमिटेड बट ऑल कंपनीज अक्रॉस वर्ल्ड, पीपल फियर मंडेज लाइक एनीथिंग। और ये रिसर्च कहता है, ये मैं नहीं कहता हूं, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे को मैक्सिमम लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में खटिया खड़ी हो जाती है, रिसर्च है। क्यों? बिकॉज मूड ही नहीं रहता, सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोग वो चालू रखते हैं, लोन निकाल के रखते हैं, होम लोन है, ये लोन है, फिर क्या करना पड़ता है। But I would say still you can identify. I'm not asking to leave job like me and do something on your own. It is very risky. I'm telling you. मेरे जो mentor है महेंद्र देवलेकर, उनको मैं पूछ रहा था, सर मैं job छोड़ के मतलब motivation speaker बनू क्या? उन्होंने मेरे मुंह पे बोला, समीर बहुत बड़ी financial risk तू ले रहा है।
लाखों कमा सकता है एक एक महीने में तू इंजीनियरिंग में, लेकिन बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिस्क ले रहा है। बोला सर पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं, इतना पागलपन है मुझे ट्रेनिंग का, बस कर दिया। मेरे और एक मेंटर है प्रेम निर्मल सर, तो उन्होंने तो उनके ट्रेनिंग में एक बार कहा था, देखो ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज वॉट आई फॉलोड, इट्स अप टू यू, इफ यू हैव दैट मैडनेस दैट क्रेजी नेचर यू कैन गो फॉर दैट। प्रेम निर्मल सर थे, उन्होंने कहा कि तुझे भीख मांगना, मतलब भीख मांगना पड़े तो भी पैशन के एरिया में ही काम करो। अभी इसके ऊपर कभी तो एक फिर से मैं एक बार वेबिनार लूंगा, व्हाई टू वर्क इन, आई गेस आई ऑलरेडी डिलीवर्ड वन वेबिनार, व्हाई टू वर्क इन एरिया ऑफ पैशन, हाउ टू चूज योर परफेक्ट करियर, इसमें मैंने वो वेबिनार लिया था। सो यू कैन गो फॉर दैट और यू कैन जस्ट शिफ्ट, जो भी आपका जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा शिफ्टिंग करो, उसमें मजा आ जाएगा, यू कैन एंजॉय। मेरा एक दोस्त है, आई विल गिव यू वन केस स्टडी, प्रतिमेश बारिया मेरा एक दोस्त है, जो ब्लू स्टार में मेरे साथ ही था, मतलब उसने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था, डिग्री की थी, 4-5 साल के लिए जॉब किया, लेकिन उसको उसमें मजा नहीं आ रहा था। फिर उसने क्या किया, उसने सिक्स सिग्मा का कोर्स किया और उसने उसका फील्ड कंप्लीटली चेंज कर दिया एंड ही वेंट फॉर द बैंकिंग जॉब्स। इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 4-5 साल के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग का जॉब भी किया, लेकिन उसने सिक्स सिग्मा के कुछ सर्टिफिकेशंस किए, आई गेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी कुछ सर्टिफिकेशंस किए, एंड देन ही शिफ्टेड टू बैंकिंग कंप्लीटली, एंड ही इज अर्निंग लाइक एनीथिंग, ही इज एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज दैट वॉज हिज पैशन। द रिसर्च पार्ट, द रिसर्च वगैरह करना होता है, वो उसका पैशन था और वो रिसर्च वो एरिया में उसको मजा आ गया, जस्ट थोड़ा सा शिफ्टिंग कर दिया, ही इज एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग, वेरी हैप्पी, that's it, because उसका pattern वैसे था, उसकी जो personality थी idealistic personality थी, so he chose the perfect path, so you can just छोटा मोटा switch कर देंगे तो भी बहुत मजा आ सकता है। otherwise if you are mad like me, if you want to travel this path, big risk path, you can follow me, it's a big risk path, I'm telling you again, because many people including my parents, friends, relatives opposed me like anything, because unko pata tha, aisa nahi ki parents ya fir friends ya fir relatives unko aise nahi lag raha tha ki main fail ho jaun agar, unko bhi ek care rehta hai yaar bachcha itna matlab acha kama sakta hai, achi zindagi jee sakta hai, ye trouble wala path le raha hai, bahut challenging path le raha hai, isliye oppose kar rahe the, but it happens if you are that much damn serious about your passion, you can go for it. लेकिन उसके पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा हॉट टॉपिक है, इसलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिंगरप्रिंट साइंस, पामिस्ट्री, ऑल साइंसेस आई हैव स्टडीड, ये सब साइंस मैंने स्टडी करके मुझे एकदम फुल कंफर्मेशन आया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, वाई आई एम अलाइव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, फुल क्लैरिटी, फुल, एंड हेंस आई शिफ्टेड फॉर दैट। So, आपको भी वैसी अगर क्लैरिटी चाहिए, यू कैन कनेक्ट विथ मी, यू कैन कनेक्ट विथ मी, आई विल डू 1-to-1 कोचिंग विथ यू एंड आई विल हेल्प यू फॉर दैट, आई विल गिव यू द नंबर्स ऑफ दोस एस्ट्रोलॉजर्स, दोस न्यूमरोलॉजिस्ट पीपल एंड ऑल हु हेल्प मी, यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम, बट आई टुक हेल्प फ्रॉम नंबर ऑफ पीपल, नॉट विथ जस्ट वन एस्ट्रोलॉजर, आई टुक हेल्प फ्रॉम द नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर, आई स्टडीड अलॉट माई सेल्फ, तो बहुत कुछ किया है यार, बहुत पापड़ बेले है यहाँ तक आने के लिए, और अभी भी बेल रहा हूँ, बिकॉज वो जो लेवल है बहुत बड़ा मिशन है, 1 crore सक्सेस स्टोरी, आई होप यू नो दैट, 1 crore सक्सेस स्टोरीज, दिस इज अ मिशन आई एम फॉर, विद गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स, इट इज गोइंग टू हैपन, इट हैज ऑलरेडी हैपन इन माय माइंड, मेरे माइंड में ऑलरेडी हो चुका है, अभी खाली रियलिटी में होना बाकी है, दैट मच कॉन्फिडेंट आई एम, थैंक यू। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ग्रेट, सो गो अहेड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस Go ahead and ask your question. Still we have 5 minutes, 5 to 10 minutes. Go ahead and ask your questions. Okay, so again, I'm going to leave my job because it is away from my family and all. Right step, take the divine guidance. Take the divine guidance. मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी मतलब यूनिवर्स का गेम समझो यार, वो डिवाइन गाइडेंस ले लो, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, कभी कभी यूनिवर्स का वो डिवाइन प्लान रहता है, वो जानबूझ के आपको चैलेंजिंग सिचुएशन में डालता है, क्यों, बिकॉज उसको पता है कि आगे बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है या फिर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन अप होने वाली है, तो वो अपॉर्चुनिटी के लिए आपको वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है,
आपको वो प्रिपेयर करता है. See, I will give you example of my brother over here. So after his engineering, he did job for a few years. For 3 years, he did job, and after that, he went for M.Tech. Okay, he went for M.Tech. और M.Tech में उसे job मतलब जो college मिला वो था IIT Roorkee. Okay, IIT Roorkee. It is in Haridwar. और हरिद्वार में मतलब it is in north part, you know. और कितनी ठंड रहती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है. Very cold. Too much away from the family. फैमिली से बहुत दूर. टू मच कोल्ड. 2 साल के लिए मतलब उसकी जिंदगी बहुत क्या बोलूं आपको. सो इट्स वेरी टफ फॉर हिम. इट वॉज वेरी टफ बिकॉज जो बंदा मुंबई में रहता है ना यार, मुंबई में देखो अभी मतलब विंटर सीजन शुरू होने वाला है, ऑलमोस्ट शुरू हो गया है. विंटर भी इतना जबरदस्त नहीं रहता, मतलब लोअर टेम्परेचर रहता. जो समर रहता है वो भी इतना हाइयर नहीं रहता, और बारिश है वो भी एकदम बीच बीच में कभी तो बहुत ज्यादा हो जाती, अदरवाइज वो नॉर्मल रहती. लेकिन अगर आप बाहर जाओगे मुंबई के बाहर, बारिश तो बारिश खतरनाक, विंटर तो विंटर खतरनाक, और धूप तो धूप खतरनाक. आई होप यू नो दैट इट इज अ यूजुअली सिनेरियो. तो वो जो हरिद्वार ये जो प्लेस था, ये मतलब ज्यादा करके विंटर सीजन से या फिर कोल्ड से इन्फ्लुएंस था. एंड यू नो वॉट, इट वॉज अ डिवाइन प्लान अगेन. ही कंप्लीटेड दैट, ही केम बैक टू मुंबई. And again he joined the company. Again he did job for I guess 2 to 3 years, and then he shifted to Canada. He is in Canada right now for last I guess 4.5 years. Last 4.5 years he got, by God's grace, he got a green card also. And Canada mein kitni thand hoti hai mujhe batane ki zarurat nahi. It is usually in minus. So ye divine plan hota hai yaar. Agar wo time pe wo koste rehta, arey yaar mujhe koi IIT Mumbai mein kyun nahi mila, ya fir mujhe aur koi nazdik ka college kyun nahi mila, matlab IIT ka. यार मैं क्यों मर रहा हूं यार, ये क्या, ये भगवान मेरे साथ नहीं है, मेरे नसीब फूटे हैं, ऐसे उसने नहीं कहा. शायद कहा भी होगा, आई डोंट नो, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस ही मैनेज दैट. ही मस्ट हैव सेड इन स्टार्ट, बट ही मैनेज दैट, मैनेज इन ब्यूटीफुल वे. एंड नाउ ही इज रियलाइजिंग द रियलिटी बिहाइंड दैट. आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट. आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट. सो डिवाइन प्लान होता है यार, वो चैलेंजिंग सिचुएशंस से आपको लेके जाना. कुछ तो लर्निंग आपको देनी है, कुछ सीख आपको देनी है, ताकि आने वाले प्रोजेक्ट्स आप बहुत जबरदस्त वे में हैंडल कर पाओ. या सो लुक्स लाइक देर आर नो अदर क्वेश्चन. लुक्स लाइक देर आर नो अदर क्वेश्चन. फील फ्री, स्टिल वी हैव 2 to 3 minutes. गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन इफ यू हैव एनी. So looks like there are no questions. So thank you so much, everyone. Thank you so much from bottom of my heart for asking these beautiful questions, amazing questions. I'm grateful to God for having this knowledge. बहुत बार मैं ऐसी कुछ चीजें बोल देता हूँ जो मैंने prepare नहीं किया है, मुझे पता भी नहीं है. It's a pure God's grace. It is your blessings which helps me to share some phenomenal stuff. And I will keep on adding value. And let me know, my dear friend. Let me know how can I help you. How can I help you? Please let me know. मैं मेरी जान लगा रहा हूं, मतलब every single day I'm sharing amazing quote with you. You are in my community, right? You are in my community. Every single day I'm sharing some amazing quote. आज मैंने आपको growth summit, super growth summit, उसका मैंने आपको link भेजा. मतलब जो जो best मेरे पास available है, जो किताबें हैं या फिर जो भी है, मैं share कर रहा हूं. I'm doing whatever best I can. I'm taking this question answer sessions and all to help you more. Tell me what else you want. Tell me yaar. Bolo mujhe. You already have my WhatsApp number. Put the message on that number and tell me what else you want from my side. What can I help? What can I help you? What can I do extra for you? I'm ready to do everything for you. Forget about money and all. Wo to aage ki baat. Just do that. Just tell me what else you want. I'm ready to do everything for you. Dekho, main aapko guide kar sakta hun. Please understand. Whatever I'm telling you, that is only 10%. 90% game aapke haath mein ki aap usko follow karenge ya nahi karenge. Aapko visualization technique pata hai? Are you going to visualize every night before going to sleep? It is your call, my dear friend. Abhi Navratri mein maine 9 din ke liye yaar dance meditation rakha tha. Aap mein se kitne log dance meditation ko aa rahe the? किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो मैं समझ सकता हूं. बट आस्क योरसेल्फ, आर यू डूइंग दैट?
शायद अभी मैं फुल मून डे है अभी दो तीन दिन में फिर से एक बार नो आई गेस 19 को है अगेन आई एम गोइंग टू हैव द डांस मेडिटेशन यू कैन पार्टिसिपेट डांस मेडिटेशन इज अ ग्रेट वे टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड और मैं आपको बताना चाहता हूं जब फुल मून होता है या फिर कुछ त्योहार होता है वो टाइम डांस मेडिटेशन करना मतलब दूध में घी शक्कर समझ जाओ दूध में घी शक्कर बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन होते हैं यार मैं आपको बताता हूं यार मैंने बहुत पापड़ बेले हैं कहां कहां पे जाके मैंने मेडिटेशन ये वो बहुत कुछ सीखता हूं बेस्ट टू बेस्ट चीजें लेके आता हूं और आपको देता हूं प्राणिक हीलिंग करके एक ग्रुप है प्राणिक हीलिंग इंटरनेशनली प्रेजेंट है इंटरनेशनली टॉनी रॉबिन्स खुद उसको प्रमोट करते हैं यार प्राणिक हीलिंग को टॉनी रॉबिन्स खुद प्रमोट करते हैं और वो प्राणिक हीलिंग के लोग मतलब पूरी दुनिया में फुल मून डे के दिन मेडिटेशन करते हैं ट्वीन हार्ट मेडिटेशन है आप भी कर सकते हो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद देम अगर आप मुंबई में रहते हो देखो मुझे अभी कंफर्म पता नहीं कि अभी कोविड के वजह से ये शुरू है कि नहीं लेकिन जो नेहरू सेंटर है नेहरू सेंटर आपको नेहरू प्लेनेटोरियम पता है ना तो नेहरू प्लेनेटोरियम में उसके ही मतलब प्रिमाइसिस में वो एक बहुत बड़ा हॉल लेते हैं और वहां पे मेडिटेशन होता है फुल मून डे के दिन शाम को 7:30 बजे आप एक बार जरा कंफर्म करके देखिए मुझे भी कंफर्म करना पड़ेगा तो बहुत सारे ये चीजें होती है ये फुल मून डे ये बहुत पावरफुल चीज होती है त्योहार जो होता है बहुत पावरफुल होता है वो टाइम पे हमें सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना जरूरी है मैं जो जो बोल रहा हूं आपको आप फॉलो तो करके देखो यार आप फॉलो ही नहीं करेंगे तो आपको समझेगा कैसे आई एग्री आपकी जिंदगी में अभी बहुत ज्यादा चैलेंजेस है आप खुश नहीं हो बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं आई एग्री टू दैट तो आप ऐसे मत सोचो क्या है यार ये क्या है समीर नारद को इसको मोटिवेट करने का ही पैसा मिलता है ये खाली मोटिवेट करते रहता है कुछ कुछ बताते रहता है उसको क्या पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है ये तो बहुत पॉजिटिव है इसको नेगेटिविटी क्या पता भाई नेगेटिविटी क्या होती है मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता सुसाइडल टेंडेंसीज थी साइकेट्रिस्ट के पास जाता था माँ बाप को बोलता था मैं मरने वाला हूँ सुसाइड करने वाला हूँ नेगेटिविटी मेरे से ज्यादा और बेहतर कोई नहीं जान सकता ऐसे ऐसे फटके पड़े हैं जो अभी मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता ये लाइव सेशन है ये रिकॉर्डिंग हो रही है मैं आपको बता नहीं सकता दोस्त जो भी बोल रहा हूं भुगता है यार बहुत भुगता है रोया हूं गिड़गिड़ा के रोया हूं भगवान के दर पे पेरेंट्स के सामने दोस्तों के सामने बहुत फेस किया है और उसके बाद ये विजडम आया है फॉलो करो यार जो भी मैं बोल रहा हूं फॉलो करके देखो दिस इज नॉट माय सिस्टम आई हैव बीन स्टडीइंग इट अक्रॉस वर्ल्ड जो बेस्ट टू बेस्ट सिस्टम्स है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फॉलो दैट एंड देन यू टेल मी डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जो भी दवाई देता है खाने के बाद पता चलता है ना कि दवाई में पावर है कि नहीं अब दवाई खाओगे ही नहीं और बोलोगे कुछ फायदा नहीं हो रहा मेरी जिंदगी में ये है वो है तो कैसे होगा मुझे बहुत बुरा लगता है मैं मतलब लोग मुझे बोलते कि यार मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है अरे मेरे दोस्त तूने लाइफ मास्टरी कोर्स खरीदा है लाइफ टाइम एक्सेस है देखना यार वीडियो बार बार करना सिस्टम को फॉलो एक भी दिन विजुअलाइज नहीं करता है अफर्मेशन नहीं करता है सक्सेस स्टोरी नहीं सक्सेस स्ट्रांग नहीं और मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम आएंगे ना यार तू सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है तो कौन हेल्प करेगा तुझे टॉनी रॉबिन्स भी हेल्प नहीं कर सकता टॉनी रॉबिन्स दुनिया का नंबर वन ट्रेनर आपके घर में आके रहेगा तो भी कुछ फायदा नहीं होगा तो मैं कौन आई कांट डू एनीथिंग वॉट एवर आई एम डूइंग दैट इज ओनली 10% 90% गेम इज इन योर हैंड फॉलो करना है कि नहीं करना है फॉलो करो जिंदगी में बार बार मिलने वाली है क्या टेल मी यहां पे मुझे चैट बॉक्स में लिखो अगर आपके पास 700-800 साल है लिखो मुझे इफ यू हैव 700-800-900 ईयर्स आप बोलेंगे टाइम है यार समीर कितना टाइम है क्यों दिमाग को शॉर्ट लगा रहा है खुद के और मेरे बहुत टाइम है मेरे पास नहीं करूंगा विजुअलाइजेशन ऐसा ही मेरे को जिंदगी जीनी है 700-800 साल है देख लूंगा बहुत टाइम है तो मैं समझ सकता हूं देयर इज नो नीड टू अटेंड दिस सेशन आपको पता है यार टाइम बहुत लिमिटेड है ये लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड चीजें करनी है ना कर रही है कि नहीं लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड सपने पूरे करने की नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा यार अलग करना पड़ेगा देखो 99% लोग ये नहीं करेंगे ये विजुअलाइजेशन अफर्मेशन ऐसे सेशन अटेंड करना कोई नहीं करेगा लोग 50,000 का मोबाइल खरीदेंगे घूमने के लिए जाएंगे उसमें लाखों रुपया खर्च करेंगे लेकिन खुद के माइंड के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे 99% लोग ऐसे है लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस आपको भगवान ने विजडम दिया आपने ये ट्रेनिंग ज्वाइन की शायद आप यूट्यूब के ऊपर बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो इट्स अ प्योर गॉड्स ग्रेस
बाय गॉड्स ग्रेस, मैं आपको बता रहा हूं ये नॉलेज आपके जिंदगी में होना ये गॉड्स ग्रेस है, मामूली बात नहीं है, ये नॉलेज आपको आज मिल रहा है, गॉड्स ग्रेस है। यू आर कनेक्टेड विथ मी, सेम फ्रीक्वेंसी पीपल अट्रैक्ट ईच अदर, सेम फ्रीक्वेंसी पीपल। आप ये वेबिनार अटेंड नहीं करते, आप ये रिकॉर्डिंग नहीं दिखते अगर हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, अगर भगवान का हाथ आपके सर के ऊपर नहीं है, आपको ये नॉलेज नहीं मिलता। आपको मिल रहा है, समझ जाओ भगवान का हाथ आपके सर के ऊपर है, बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, अभी खाली आपको एक्शन लेना है। टेक एक्शन माय डियर फ्रेंड, टेक मैसिव 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 एक्शन, एंड स्टिल इट डजंट वर्क, लेट मी नो, आई एम देयर विद यू। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन, एंड टिल देन गॉड ब्लेस यू, एंजॉय एंड टेक केयर, बाय।